एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ में पहली एप्लीकेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, रादर आप यहां करेक्शन कर लें ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, यहां पर लिख लें लॉन्ग सोलेनोइड या इनफाइनाइट सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड और इनफाइनाइट एक ही बात है। देखो लंबा सोलेनोइड या इनफाइनाइट का मतलब ये कि बहुत लंबा सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, तो अगर ये सोलेनोइड है सच दैट इसकी लंबाई बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इसका रेडियस, तो यानी कि ये एक लंबा सोलेनोइड है। पर अगर लंबाई जो है 10 mm है और रेडियस 3 mm है तो निगलेक्ट कैसे करोगे, फिर ये रिजल्ट नहीं चलता, फिर फाइनाइट सोलेनोइड का रिजल्ट चलेगा, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो अभी हम बहुत लंबा सोलेनोइड ले रहे हैं कि लंबाई बहुत बड़ी है इसकी, ठीक है यहां तक, और रेडियस इसका बहुत छोटा है। तो करें स्टार्ट। तो इसके अंदर सोलेनोइड है क्या और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको पहले समझ लेते हैं तो आगे चलेंगे। तो एक सोलेनोइड की अगर आप बात करते हो तो एक सोलेनोइड देखने में कैसा है, एक सोलेनोइड देखने में ऐसा है, ये एक सोलेनोइड है और इसके अंदर करंट कितना मूव कर रहा है, आई, तो इसमें आई करंट जा रहा है, ठीक है यहां तक। अब सोलेनोइड से पहले एक और भी चीज समझनी पड़ेगी और वो क्या, एक बार मैग्नेट। ये अगला चैप्टर आएगा मैग्नेट्स का, बार मैग्नेट एक लोहे का मैग्नेट है जिसके दो पोल्स होते हैं, सबको पता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक, नॉर्थ एंड साउथ। मैं मैग्नेट को बीच में क्यों लेके आ रहा हूं, मैं बताता हूं अभी। रूल नंबर वन, कोई भी एक बार मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, और अगर आप एक करंट कैरिंग लूप्स लेते हो, करंट कैरिंग लूप अपने एक्सिस पे क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, हमने लास्ट टाइम किया था, अगर सर्कल में करंट है, सर्कुलर वायर में करंट है, तो थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, एक्सिस के ऊपर, तो हर रिंग में जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करता जा रहा है भी। तो एक्सिस पे जबरदस्त बी होगा क्योंकि किसी भी रिंग के सेंटर पे बी मैक्स होता है, तो एक्सिस के ऊपर बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, हर कोई रिंग अपना बी कॉन्ट्रीब्यूट करता जा रहा है और मैक्सिमम बी एक्सिस पे होने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि सोलेनोइड के एक्सिस पे बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नेट प्रोड्यूस करता है तो हम ऐसा मान सकते हैं अपने मन में कि सोलेनोइड भी एक मैग्नेट है। सोलेनोइड भी, आपको पता है सोलेनोइड कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो सोलेनोइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है या सोलेनोइड एक मैग्नेट है, ठीक है। अब अगर मैग्नेट है, इसके क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। आप कहोगे सच में होंगे, नहीं सच में नहीं होते, वर्चुअल है, अपने मन में मानना है, सच में आपको करंट कैरिंग वायर के पोल दिखते नहीं है कभी भी, हम मैग्नेट के सच में पोल्स होते हैं, पर क्योंकि ये चीजों को अट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड चीजों को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये मैग्नेट तो है। तो अगर ये मैग्नेट है, इसके पोल्स अगर हम एज्यूम करें, तो पोल्स बनाने का एक तरीका है, वो तरीका कैसे आया ये अगला चैप्टर बताएगा। अभी एक रूल याद करना है, अगर आप एक सोलेनोइड लें और आपको, जैसे ये सोलेनोइड है, मेरे को अगर यहां पे करंट क्लॉकवाइज मैंने रिलीज किया, इस तरफ आता आता आपकी तरफ कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है पर आपकी तरफ क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखा, मैं अपने मन में यहां को इसको मानूंगा एक पोल, एक पूरा सोलेनोइड को कंपेयर करूंगा लाइक अ मैग्नेट, मान लो बड़ा मैग्नेट है, और क्लॉकवाइज जहां मुझे करंट दिखेगा उसको मैं मानूंगा साउथ पोल। तो अगर मान लो यहां करंट मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं क्या मानूंगा, यहां पर कौन सा पोल है, साउथ। और अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां पर मुझे क्या पोल दिखेगा, नॉर्थ। तो रूल नंबर वन, सोलेनोइड में जिस एंड पे करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो पोल क्या होगा, साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन मैंने आपको दिया नहीं, आने वाले टाइम में आपको दूंगा कैसे होगा, ठीक। अभी आपको याद करना है ये, नंबर वन। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो अगेन आगे वाले चैप्टर में ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बतानी पड़ रही है मुझे, प्रॉपर्टी ये है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। देखो मैग्नेट की एक बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइंस, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड करती हैं, ये रूल है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ होती हैं, राइट, नॉर्थ से साउथ होती हैं। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर ठीक है बना के दिखाओ, कहाँ नॉर्थ कहाँ साउथ, मैंने करंट कैरिंग वायर ली है, आए बनाओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैंने कहा देख मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में सर्कुलर बनेंगी इमेजिनरी। कह रहे फिर नॉर्थ साउथ का है, मैंने कहा इसमें नहीं बनेगा। आपने कहा आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ पे खत्म होती है, वो बाहर मैग्नेट में होती है, करंट कैरिंग वायर के आसपास दे आर कॉन्टिन्यूस लाइन्स, इसमें आपको नॉर्थ साउथ नहीं दिखता। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह मतलब ऐसी नहीं है कि बस एक रूल हर में चलता है, करंट कैरिंग वायर में कॉन्टिन्यूस है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। हाँ बार मैग्नेट में आपको नॉर्थ साउथ दिखेगा, करंट कैरिंग वायर में आपको नॉर्थ साउथ दिखता नहीं है, ठीक। तो कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, सॉलेनोइड में आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि प्रॉपर्टी क्लियर है नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो अगर लाइंस ड्रॉ करनी है तो नॉर्थ से साउथ तक जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें सबसे पहली चीज देखो क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर अब क्या करना है हमने, क्योंकि एक सोलिनॉइड को अपने मन में मानो कि इट इज अ बिग मैग्नेट, क्योंकि छोटे छोटे सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक डायरेक्शन में, एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करेगा सोलिनॉइड, और मैग्नेट के मैंने दो पोल्स भी बनाए हैं। तो अगर मैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करने को कहूँ तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जो सोलिनॉइड के नॉर्थ से चलेगी और साउथ पे एंड होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि बार मैग्नेट नहीं है, बार मैग्नेट तो लोहे के अंदर से भरी हुई है, उसमें लाइंस नहीं जाती, पर ये अंदर से खाली है और इसका मैक्सिमम फील्ड सेंटर के अलोंग है, तो लाइन सेंटर में जाएंगी, तो इसके अंदर ये लाइन आगे कंटिन्यू होगी और ऐसे आगे चली जाएगी। तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं वो कंटिन्यूस बनती हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे खत्म हो जाती हैं। तो इस सोलेनोइड के बाहर ये नॉर्थ से साउथ पे चलती हैं और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ चलता है, ये देखो ना ऐसे, ये रहा ऐसे, जैसे नॉर्थ से साउथ चलती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ चलेंगी और इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलेंगी। तो ये रूल है कुछ सोलेनोइड के जो आपको पता होने चाहिए। तो आप कोई भी अगर फिगर देखें सोलेनोइड की तो ऐसी ही दिखेगी, ये देखो। तो इमेजिन करो ये फिगर के अंदर अगर लाइन यहां से स्टार्ट होकर यहां पे आ रही है तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ है, कहीं ना कहीं ये साउथ है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म ऐसे, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म ऐसे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डायग्राम क्यों बनाया ऐसा? और ये मैंने रूल लिखा हुआ है कि सोलेनोइड में जहां आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखेगा वो साउथ पोल है, और जहां आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ पोल है, ठीक है यहां तक क्लियर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर बी निकालने वाले हैं। सोलेनोइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के ऊपर होता है, तो एक्सिस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है ऐसे बोलना चाहिए मुझे। तो ये मैंने ड्रॉ किया एक सोलेनोइड, लंबा सोलेनोइड है पर मैंने इसका पार्ट लिया, और मुझे बी कहां पे निकालना है, एग्जैक्टली इसके एक्सिस पे बी निकालना है। तो अगर मुझे बी इसके एक्सिस पे निकालना है तो एम्पियर सर्किट लॉ कहता है टेक अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ कहां लें? क्लोज पाथ ऐसे लें जैसे गॉशियन सरफेस लेते थे, क्लोज पाथ वहां जरूर लें जहां पर ई की वैल्यू निकालनी थी, ऐसा सिखाया था। क्लोज सरफेस इमेजिनरी गॉशियन सरफेस वहां लें जहां पर ई निकालना है, ऐसी अगर आपको पता है कि आपको बी एग्जैक्टली इसके एक्सिस पे निकालना है तब क्लोज पाथ इस एक्सिस से जरूर पास करें। आपने कहा कि ठीक है जी ये मेरा क्लोज पाथ है, ऊपर जाके वो ऐसा कर देता हूं, हाँ कर दो कोई प्रॉब्लम, कर दो। कोई कहता है जी मैं तो ऐसे घुमा के, हाँ ले जाओ, क्लोज होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा क्यों करोगे? अगर आप ऐसा करना चाहो प्रॉब्लम नहीं है कोई, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ जी इसकी लेंथ क्या है, आपको लेंथ नहीं पता, फिर मैं एम्पियर सर्किट लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कैसे करूंगा? आप प्लीज फिगर ढंग की लें जिसमें आप इंटीग्रेट करके लेंथ निकाल सकें। तो ढंग की फिगर में रेक्टेंगल सबसे बेस्ट है, पूछ भी लेगा तो लेंथ एल है तो एल है, बात ही खत्म, तो इंटीग्रेशन चक्कर ही नहीं पड़ेगा, राइट, क्लियर है। तो आपने ये क्लोज पाथ ले लिया, इस क्लोज पाथ में ये रहा आपका ए बी सी डी क्लोज पाथ। इस ए बी सी डी क्लोज पाथ के अंदर मैं बी डॉट डी एल निकालूंगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए का बी डॉट डी एल निकालू। अब इसमें जो ये जो सोलेनोइड है उसकी लंबाई तो बहुत है, पर आपने क्या लिया, इसका सिर्फ एल पोर्शन लिया, एल बस, लंबाई तो बहुत है पर आपने एल पोर्शन लिया जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो एल पोर्शन लिया, तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप इसमें पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी की बी डॉट डी एल निकालने वाले हैं। तो पूरा क्लोज पाथ का बी डॉट डी एल क्या होगा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, चार लाइन है। अब अगर आप बात करते हो बी डॉट डी एल, मैं पहले पी से क्यू चलता हूं, पी से क्यू में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, राइट है एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड राइट है। डीएल वेक्टर पी से क्यू जाने में डीएल वेक्टर भी कहां पर है, राइट है, क्योंकि आप पी से क्यू जा रहे हो तो डीएल भी राइट है। बी और डीएल में एंगल क्या बनेगा किसी भी इंस्टेंट पर, जीरो, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस जीरो। अब बात करते हैं इसकी, बी वेक्टर कहां पर है, राइट है, डीएल वेक्टर कहां पर है, अब ऊपर आ गया, जब डीएल ऊपर आ गया बी वेक्टर राइट है तो एंगल इनके बीच में क्या बनेगा, 90। तो इसका मतलब बी डीएल कॉस 90, इसका बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक हो गया। सिमिलरली आर और एस, आर और एस के अंदर ये लाइन सोलेनोइड के एक्सिस से काफी दूर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। सोलेनोइड के बाहर फील्ड बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सोलेनोइड का एक्सिस। ऐसा क्यों होता है इसका आंसर मैं दो मिनट बाद दूंगा, अभी आप ये मान के चलो कि सारा फील्ड कहां पर पाया जाता है, मैक्सिमम उसके एक्सिस पे, बाहर निग्लिजिबल होता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा रीजन भी दूंगा अभी आपको। और लास्ट रह गई ये है डीएल, ये रहा बी वेक्टर, मतलब एक्सिस पे बी वेक्टर, ये रहा डीएल, ये रहा एंगल, फिर से क्या बन गया 90, तो बी डॉट डीएल में फिर से क्या आ गया 90। तो ये भी बी डॉट डीएल जीरो, ये तो ऑलरेडी है ही जीरो, ये भी जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल फ्रॉम पी टू पी बस। और P से लेके Q तक लेंथ क्या है, L, तो P से Q लेंथ क्या है, L, तो पूरा P Q R S में B dot DL क्या आ गया, सिर्फ B into L। तो ये हमने इंटीग्रेशन से निकाल लिया। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ वो क्या कहता है कि B dot DL, मुझसे पूछ रहे हो कैसे निकलेगा, क्लोज्ड पाथ में म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट क्लोज पाथ में घूम रहा है। अब कितना करंट घूम रहा है आई, उस क्लोज पाथ में करंट बार बार गोल गोल घूम रहा है। और इस क्वेश्चन में मान लो एक मिनट के लिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहां से यहां तक एल लेंथ में या पूरे सोलेनोइड में, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं पी क्यू आर एस पे जिसकी लंबाई एल है, तो इसमें बोलो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करें, एन को एल से मल्टीप्लाई, क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और लेंथ l से मल्टीप्लाई करने का मतलब l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। क्लियर है यहां तक? तो एक टर्न में करंट कितना घूमना आए। अब आपको ये याद होगा हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर करंट एक लूप में घूमता है और मैग्नेटिक फील्ड है b, दो बार घूमता है तो 2b, तीन बार घूमता है तो 3b, n बार घूमता है तो n टाइम्स b, यानी कि करंट बार बार घूमने से मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि करंट क्योंकि कितनी बार घूम रहा है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने, नंबर ऑफ टर्न्स है एन एल, और एक टर्न में करंट कितना घूम रहा है आई, एन एल इंटू आई, तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। तो ये भी बी डॉट डी एल, ये भी बी डॉट डी एल, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके एल से एल कैंसल, आंसर म्यू नॉट एन आई इज द आंसर। और अगर इस सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे, कॉर्नर के दो पॉइंट्स पे आप बी निकाल लें तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये कैसे आएगा इसका प्रूफ मैं भी करवाऊंगा आपको। हाँ, इस चीज का आंसर जरूर देना बनता है कि यहां पर मैंने बी जीरो क्यों लिया था। इसको समझने के लिए आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपने सीधा बी जीरो लिखना है, पर इसको समझने के लिए लॉजिक समझते हैं। आप सोलेनोइड लें जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, तो मान लो एक लूप लिया जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, फिर अगला लूप लिया जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, तो मान लो एक जो लूप लिया इसमें करंट ऐसे आ रहा है और एक पॉइंट बाहर ले लिया मैंने पी, तो मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ इस P पे B की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने कहा सर देखो करंट ऐसे घूम रहे, तो मैं एक काम करता हूं थंब को यहां रख लेता हूं, थंब यहां रख लिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, इसमें ऐसे घूमेंगी और ऐसे ऊपर ऐसे जाएंगी सर्कुलर, ठीक है। तो मान लो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ऊपर, फिर मैंने अगला लूप लिया, अब अगले लूप के लिए पी पॉइंट पीछे रह गया, इस लूप के लिए आगे था, इस लूप के लिए ये पीछे है, करंट इसमें भी ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूम रहा है तो उस केस में लाइंस यहां जाएंगी पर पी पॉइंट तो यहां रह गया, तो लाइंस यहां से जाके ऐसे जाएंगी। तो सोचें इसके लिए लाइंस ऊपर जा रही हैं,
इसके लिए लाइंस ऐसे ऊपर जा सॉरी इसके लिए लाइंस नीचे आ रही हैं, ठीक। इमेजिन करें एक एक वायर यहां पर, एक यहां पर, पी पॉइंट बीच में है। तो इसके लिए पहले लूप के लिए पी पॉइंट पे लाइंस ऊपर हैं, दूसरे लूप के लिए पी वो लाइंस नीचे हैं। आपस में दोनों लूप बी को क्या करते जा रहे हैं, कैंसल, डायरेक्शन ऑपोजिट। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो होता है, काफी हद तक कैंसलेशन हो जाती है। इस वजह से आउटसाइड अ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड काफी कम हो जाता है, हम निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। ये लूप, जैसे ये लूप है, ये लूप है, एक पॉइंट पी यहां ले लो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो इसकी वजह से ऊपर है, आपस में कैंसलेशन होती है। समझाने के लिए है, आपसे को पूछ नहीं रहा, आपने सीधा जीरो ही करना है। फॉर्मूला बुकलेट में प्लीज नोट कर लेना, ये लॉन्ग सोलेनोइड है प्लीज, या इनफाइनाइट सोलेनोइड है, तो इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनोइड जरूर लिखना, लॉन्ग सोलेनोइड का या इनफाइनाइट सोलेनोइड का बी का ये फॉर्मूला लिखें, और कॉर्नर के पॉइंट्स पे ये लिखें। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें प्लीज।